बहुत ही बेहतरीन और उम्दा फंगिसाइड का मैं नाम बताने जा रहा हूँ जो आपके आम को कजली लगने से बचाता है, आपके आम को काला होने से बचाता है, यानी कि आपके आम में बिल्कुल चमकीला रहेगा ये फंगिसाइड लगाने के बाद और आपका आम बिल्कुल सुंदर दिखेगा, किसी तरह का कोई फंगस का अटैक नहीं रहेगा, तो आपका आम मार्केट में बहुत ही अच्छा भाव में बिकेगा। हे नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? मैं आपका दोस्त अनिल रमन और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल अनिल रमन विलेजर। तो किसान भाइयों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूं वो पांच फंगिसाइड जो कि आपको अलग अलग स्प्रे में लगाना है, यानी कि पहला स्प्रे से लेकर पांचवें स्प्रे तक का आज मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फंगिसाइड के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपके बगीचे के लिए, आम के बगीचे के लिए बहुत ही लाभदायक है। फंगिसाइड जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो स्प्रे के हिसाब से लेकर आया हूँ कि आखिर पहले स्प्रे में मौसम कैसा है और उसके हिसाब से कौन सा स्प्रे लगना चाहिए, दूसरे स्प्रे में कंडीशन आम का क्या रहता है और उसमें कौन सा स्प्रे लगना चाहिए, तीसरे स्प्रे में उस समय आम का क्या कंडीशन रहता है उसमें कौन सा लगना चाहिए, चौथे में कौन सा लगना चाहिए और पांचवे में क्या कंडीशन पर हमारा आम रहता है और उसमें कौन सा लगना चाहिए। तो ये सब पूरा रेशियो निकाल के, पूरा चीज़ जानते हुए, जानकारी लेकर मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ फंगिसाइड यानी फफूंद नाशक के बारे में। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं वो पाँच फफूंद नाशक जो कि आपको अपने बगीचे में अगर लगा देंगे तो आपके बगीचे में किसी प्रकार का फंगस नहीं रहेगा, वो यूं छूमंतर हो जाएगा। बस ये पांच आप फंगिसाइड याद रखेंगे और पांचवें डोज तक आपको लगाना है। वैसे तो किसान भाई अपने बगीचे में पांच ही नहीं, कई किसान भाई हैं जो कि ज़्यादा भी अपने बगान में छिड़काव करते हैं, स्प्रे लगाते हैं, क्योंकि अगर बगान में अगर प्रॉब्लम आ जाता है, फंगस का अटैक आ जाता है, कीड़े मकोड़े का, इंसेक्ट का अटैक आ जाता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लगाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो पांच बहुत ही इंपॉर्टेंट स्प्रे लगाना है आपको और उसमें कौन सा फंगिसाइड का यूज करना है इस वीडियो में मैं आपको बता रही। पहला हम बात करते हैं, अगर हम जिस समय पहला स्प्रे स्टार्ट करते हैं तो वो समय मौसम थोड़ा ठंडा होता है और आम के लिए मंजर अच्छा से निकले इसके लिए हम सल्फर का यूज करते हैं। वैसे तो ये एक न्यूट्रिएंट्स है लेकिन हम उसके फंगस, ये फंगस से भी बचाता है, तो इसके लिए मैं फंगिसाइड के रूप में मैं सल्फर का यूज कर रहा हूँ पहले में। अब चलते हैं, बात करते हैं हम दूसरे स्प्रे में। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ करवेंडाजिम और मैंकोजेब, जो कि करवेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% के WP फॉर्म में आता है, यानी पाउडर के फॉर्म में आता है और इसको हम 2 ग्राम प्रति 1 लीटर के हिसाब से लगाते हैं। बहुत ही अच्छा उस समय ये काम करता है। और ये कब लगाते हैं दूसरा स्प्रे? जब हमारा फूल खिलना शुरू होता है, मंजर से फूल खिलना शुरू होता है, मंजर तो निकल ही जाता है लेकिन वो ग्रीन होता है, जब फूल खिलना शुरू होता है उससे पहले हम लगाते हैं, फूल खिलने के बाद नहीं लगाते। बात करते हैं तीसरे स्प्रे की और तीसरे फंगिसाइड की। तो तीसरा फंगिसाइड हम कब लगाते हैं? जब हमारे बगीचे में आम पकड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि मंजर सूख कर झड़ने लगता है और उसमें बस दाना बचने लगता है, दाना पकड़ने लगता है, तो उस समय हम तीसरा स्प्रे लगाते हैं। और तीसरे स्प्रे के लिए बहुत ही बेस्ट आपका फंगिसाइड है हेक्साकोनाजोल 0.5%, जो कि हम 1 ml प्रति 1 लीटर के हिसाब से इसका हम यूज करते हैं और ये हमारे बगान के लिए उस समय के सिचुएशन के हिसाब से बहुत ही बेस्ट होता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए कंडीशन क्या है हमारे बगीचे के आम का, कितना सुंदर इसमें टिकोला पकड़ लिया है और मंजर इसका फूल झड़ चुका है। तो अब इसमें हम आसानी से तीसरा स्प्रे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर जिन भाई ने पहला बार एक ही स्प्रे लगाया फूल के पहले, तो इस समय वो दूसरा स्प्रे लगाएंगे, तो इस समय हेक्साकोनाजोल ही आपको लगाना है। तो चलिए किसान भाई, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे स्प्रे की। चौथे स्प्रे में जो हम आपको फंगिसाइड रिकमेंड कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है, क्योंकि आप चौथा स्प्रे तब लगाएंगे जब आम आपका नींबू के साइज का होने लगेगा, मतलब उसके लगभग का हो जाएगा, तो उस समय हमें कौन सा फंगिसाइड यूज करना है जो कि हमारे बगीचे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। चौथे स्प्रे में दोस्तों हमें जो लगाना है वो थायोफेनेट मिथाइल लगाना है, जो कि 70% WP फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आता है, इसको भी हम ग्राम में तौलते हैं। और इस ये जो है हमारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक फंगिसाइड है, जो कि यह आम के पौधे के अंदर जाकर, पत्ते के अंदर जाकर फंगस को दूर करता है। इसका दोस्तों डोज जो है वो आधा ग्राम है, आधा ग्राम 1 लीटर पानी में डालना है, आधा ग्राम 1 लीटर, यानी कि 100 लीटर पानी है तो उसमें मात्र हम 50 ग्राम यूज करेंगे।
तो इस हिसाब से, इस रेशियो के हिसाब से चाहे टैंकर हो, कोई भी हो चीज, हम उसमें हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों पांचवे हम फंगिसाइड की बात करें और पांचवे स्प्रे, जबकि हमारा आम गुठली के बनने लगता है आम के भीतर, उस समय हमें फंगिसाइड का जो यूज करना है वो बहुत ही बेहतरीन और उम्दा फंगिसाइड का मैं नाम बताने जा रहा हूँ, जो आपके आम को कजली लगने से बचाता है, आपके आम को काला होने से बचाता है, यानी कि आपके आम में बिल्कुल चमकीला रहेगा ये फंगिसाइड लगाने के बाद और आपका आम बिल्कुल सुंदर दिखेगा, किसी तरह का कोई फंगस का अटैक नहीं रहेगा, तो आपका आम मार्केट में बहुत ही अच्छा भाव में बिकेगा। दोस्तों वो फंगिसाइड है नेटिवो, जो कि वायर कंपनी का एक बहुत ही अच्छा फंगिसाइड है नेटिवो, जो कि टेबुकोनाजोल 50% इसमें टेक्निकल है और ट्राइफ्लॉक्सिस्ट्रोबिन जो कि 25% के ग्रेनुअल्स फॉर्म में आता है, WG फॉर्म में आता है। ये दोस्तों एक सिस्टमिक फंगिसाइड है जो कि आपके आम के भीतर यानी कि पूरी तरह से अंदर अवशोषित करके और अच्छे से फंगस को, अंदर से फंगस को ख़त्म करता है, ताकि आपका आम बिल्कुल चमकीला दिखे और अच्छा दिखे, आपको लाभ ही लाभ हो, फायदा ही फायदा हो। इसका डोज मैं आपको बता दूं, इसका डोज है 15 लीटर पानी में मात्र आपको 10 ग्राम डालना है, लेकिन अगर आप इससे कम भी डाल सकते हैं, यानी कि आधा ग्राम आपको 1 लीटर पानी के हिसाब से आपको डालना है, ये डोज इनका रहा। डोज बिल्कुल प्रॉपर रखना है दोस्तों, तभी आप अच्छा रिजल्ट पा पाएंगे। तो किसान भाइयों ऐसे ही आपको बिल्कुल नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, इसी तरह अगर आपको इंसेक्टिसाइड के बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको इसी तरह प्रॉपर वे में मैं बता दूंगा, आप कमेंट में जरूर लिखिए कि इंसेक्टिसाइड के बारे में बताइए, तो मैं आपको अलग सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इसी तरह मैं आपको टॉनिक के बारे में बता दूंगा कि आप हमें किस किस स्प्रे में कौन कौन सा टॉनिक लगाना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।